जय श्री राधे। सावन का ये महीना बड़ा ही पवित्र महीना है और सावन के महीने में भगवान शंकर की आराधना होती है और इसी के साथ शुरू होता है भगवान शंकर की अमरनाथ धाम की यात्रा। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जहां पर स्वतः बर्फ से भगवान शंकर प्रकट होते हैं। वो अमरनाथ धाम जहाँ पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तो आइए आज हम उसी कथा का श्रवण करेंगे और आप सभी हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर से यह पूछती हैं कि हे प्रभु, आपके गले में जो ये माला है जिसमें स्त्रियों के सिर लगे हुए हैं, इस माला में किसके सिर लगे हुए हैं? आपने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई। आखिर जो माला आप नित्य धारण करते हैं, ये माला किसके सिरों से बनी हुई है? तो भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, जो ये माला है इसमें किसी और के सिर नहीं है, बल्कि मेरी माला में तुम्हारे ही सिर लगे हुए हैं। माता पार्वती को ये बात सुनकर के आश्चर्य हुआ कि मेरे सिर आपकी माला में कैसे लगे हुए हैं? तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे सामने अपने इस देह का कई बार परित्याग कर चुकी हो और हर बार हम तुमसे विवाह करते हैं और तुम्हारे पिछले जन्म की याद बनी रहे, इसलिए तो हर बार तुम्हारे सिर को अपनी माला में परो लेते हैं। इसलिए ये जितने भी सिर स्त्रियों के इसमें लगे हुए हैं, वो आपके ही सिर लगे हुए हैं। ये बात सुनकर के माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा कि हे प्रभु, जब मैं इतनी बार जन्म ले चुकी, इतनी बार में मर गई, तो फिर आप क्यों नहीं मरे? आप कैसे अमर हो गए? भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, मैंने अमर कथा का पान किया है जिसके प्रभाव से मैं अमर हूं, मैं मर नहीं सकता। तो माता पार्वती ने जिद करी भगवान शंकर से कि ये कथा आप मुझे भी सुनाओ, मुझे भी अमर होना है, मुझे भी अमर कथा सुननी है। तो भगवान शंकर बोले, देवी देखो, अमर कथा तो मैं तुम्हें सुना दूंगा, लेकिन जिस समय मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, उस समय कोई भी जीव जंतु वहां पर नहीं होना चाहिए, कोई भी वहां पर नहीं हो, वो एकांत का स्थान होना चाहिए। इसलिए यह स्थान छोड़ करके हम दूसरे स्थान पर चल करके इस अमर कथा को तुमको सुनाएंगे। तो भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के जब वहां से चले और सबसे पहले भगवान शंकर ने अपने नंदी का त्याग किया और जिस जगह पर नंदी को छोड़ा, अमरनाथ की यात्रा वहीं से शुरू होती है और उसी जगह का नाम पहलगाम पड़ गया, जहां पर पहले नंदी को छोड़ा और वहीं से अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और वहां से आगे जाकर के भगवान शंकर ने चंद्रमा का त्याग किया, जिस जगह पर चंद्रमा को छोड़ा वह उस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया, जहां पर भगवान ने चंद्रमा को छोड़ दिया। गंगा को पंचत्रणी में छोड़ा और अपने सर्पों का त्याग भगवान ने शेषनाग पर किया और केवल माता पार्वती को लेकर के भगवान अमरनाथ में पहुंचे हैं, जहां अमरनाथ की गुफा है, जिस जगह पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई है। भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए बैठे, समक्ष सामने माता पार्वती विराजमान हो गई। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी, कथा मैं आपको सुनाऊं, उससे पूर्व कथा सुनाने के 3 नियम मैं तुम्हें बताता हूं। पहला नियम है कि कथा हमेशा सामने से बैठकर के सुननी चाहिए, कथा कभी भी पीछे से नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आगे बैठकर के कथा सुनने से ही लाभ प्राप्त होता है, पीछे से कथा सुनना चोरी कहा जाता है। इसलिए कथा को पीछे बैठकर के कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए, कथा सुनाने वाले के सामने बैठकर के कथा सुने, कभी भी कथा सुनाने वाले के पीछे से कथा सुनना चोरी कहलाता है। दूसरा नियम, कथा के बीच में बार बार बोलना या बार बार उठना निषेध है। और तीसरा नियम है, कथा में सोना नहीं चाहिए, परंतु जब मैं कथा सुनाता हूँ
तो आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ, और मेरी आंख बंद करने के बाद में तुम सो रही हो या जग रही हो इस बात का मुझे कैसे पता लगेगा। इसलिए जब मैं तुम्हें कथा सुनाऊं तो तुम मुझे हाँ हाँ जी ऐसे करके हुंकरे देते चले जाना और मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता जाऊंगा। अगर तुम सो गई तो फिर मैं तुम्हें जगा तो भी सकता हूँ जहाँ तुम्हारे हुंकरे बंद हो जाएंगे, इसलिए तुम कथा में हुंकरे देते चले जाना। माता पार्वती ने भगवान शंकर की इस बात को मान लिया और भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना आरंभ किया। माता पार्वती कथा के मध्य में हाँ जी फिर बोलो आगे क्या हुआ ऐसे ऐसे उच्चारण माता पार्वती मुकरा देकर के करने लगी। लेकिन जब भगवान शंकर ज्ञान की अधिक चर्चा करने लगे, ज्ञान की बात करने लगे, तब माता पार्वती को नींद आने लगी, माता पार्वती को निंद्रा आने लगी और माता पार्वती सो गई। और जब माता पार्वती सोई तो पार्वती जी के सोते ही हुंकरों की आवाज बंद हो गई। लेकिन भगवान शंकर के बिल्कुल पीछे एक तोता बैठ करके उस कथा को सुन रहा था। वहां पर उस गुफा में वह तोता बैठ करके उस कथा को भी सुन रहा था। जैसे ही उसने सोचा कि पार्वती जी की आवाज तो बंद हो गई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कथा विश्राम ले ले और कथा से फिर मैं वंचित रह जाऊं, तो तोते ने माता पार्वती की आवाज में हाँ हाँ जी करके हुंकरे देना आरंभ कर दिया और वह तोता हुंकरा दिया जाने लगा। कथा पूरी होते ही भगवान शंकर ने जैसे ही जयघोष किया, उसको सुनकर के माता पार्वती की नींद खुल गई। तो माता पार्वती ने देखा तो भगवान शंकर सामने, बोली हाँ प्रभु आगे बताइए आगे फिर क्या हुआ। भगवान शंकर बोले देवी आगे क्या हुआ, अब आगे तो कथा ही पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा लेकिन मैं तो सो गई थी, जब मैं ही सो गई तो मेरे सोने के बाद में कथा पूरी कैसे हो सकती है, फिर आपको हुंकरे किसने दिए। भगवान शंकर ने भी सोचा कि मैंने तो हुंकरों की आवाज बराबर अपने कानों में सुनी है, हुंकरे तो बराबर दिए गए हैं, इसका मतलब कोई और ने ये कथा जरूर सुनी है। भगवान शंकर ने पीछे देखा तो वहां पर एक तोता बैठा हुआ था। उस तोते को देख करके भोलेनाथ को क्रोध आया और त्रिशूल लेकर के जैसे उसे मारने लगे तो माता पार्वती ने रोका कि इसे क्यों मार रहे हो आप, कथा सुनना तो कोई अपराध नहीं है, अगर इसने कथा सुन ली है तो उसका फल इसको मृत्यु दंड तो नहीं मिलना चाहिए। भोलेनाथ बोले इसने चोरी से नियम के विरुद्ध जाकर के कथा सुनी है। इतने में वो तोता वहां से उड़ गया और वो तोता उड़ते उड़ते हुए वहां से जब बद्रीनाथ में पहुंचा, भगवान शंकर उसका पीछा करते करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे, तो वह तोता बद्रीनाथ धाम में श्री वेदव्यास जी की पत्नी विटका देवी के मुख में होकर के उनके गर्भ में प्रवेश कर गया था। भगवान शंकर व्यास जी के घर पहुंचे और वेद व्यास जी को आवाज लगा करके बाहर बुलाया कि बाहर निकलो, तुम्हारे घर में मेरा एक चोर घुसाया है। अब व्यास जी बाहर निकल कर क्या है, बोले प्रभु आपके घर से चोर क्या चुरा करके लाया। भगवान शंकर ने कहा मैं देवी पार्वती को अमर कथा सुना रहा था और चोरी से उस चोर ने मेरी अमर कथा को सुन लिया। बोले अमर कथा सुनने का मतलब क्या, अमर कथा कैसी कथा है। बोले जो उसे सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो व्यास जी ने कहा अगर आपको वो चोर मिल जाए तो प्रभु आप क्या करेंगे। बोले मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु दंड दे दूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा अगर आपकी अमर कथा सच्ची है तो वो मर नहीं सकता, क्योंकि अमर कथा सुनने के बाद तो वो अमर हो जाएगा, और अगर वो मर गया तो फिर अमर कथा में क्या सच्चाई रह जाएगी प्रभु। इसलिए भगवान शंकर वहां से लौट करके चले गए और जो तोता वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया वही सुखदेव जी के रूप में 12 वर्ष बाद भगवान के कहने पर जन्म लेकर के आए। 12 वर्ष तक सुखदेव जी ने मातृ गर्भ में निवास किया था, क्योंकि बाहर मुझे माया पकड़ लेगी, माया के कारण बाहर उन्होंने आना स्वीकार तब तक नहीं किया जब तक स्वयं भगवान नारायण ने आकर के सुखदेव जी को आज्ञा नहीं दी थी।
साक्षात भगवान को ही आकर के सुखदेव जी को आज्ञा देनी पड़ी और तब वो 12 वर्ष के सुखदेव जी जन्म लेकर के आए। इसी अमर कथा को सुनाने के स्थान का नाम अमरनाथ धाम है, जहाँ पर भगवान बर्फ के रूप में अमरेश्वर महादेव प्रकट होते हैं और इस सावन के पवित्र महीने में श्रद्धालु लाखों की संख्या में भगवान का दर्शन करने के लिए अमरनाथ धाम जाते हैं, जहाँ पर नंदी को भगवान ने छोड़ा पहलगाम, वहाँ से लोग अपनी यात्रा आरंभ करके आगे अमरनाथ धाम तक जाते हैं। जय श्री राधे।